मातानता विधानसभा क्षेत्र के नर्मदा नगर थाने में जब्त वाहनों की अनुविभागीय अधिकारी पुनासा चंद्र सिंह सोलंकी की निगरानी में नीलामी हुई। जब्त वाहनों की नीलामी में आसपास के ग्रामीण लोगों द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया। दो स्क्रैप डंपरों को और 6 मोटरसाइकिल के खुले मंच से बोली लगाकर नीलाम किया गया। पहली नीलामी डंपरों की हुई, जिसमें एक डंपर की सरकारी बोली 32,000 से शुरू हुई और 1,43,300 रुपए तथा दूसरे डंपर की नीलामी 34,000 से प्रारंभ होकर 1,74,100 रुपए में नीलामी हुई। वहीं सभी 6 मोटरसाइकिल भी नीलाम की गई। रेड 9 न्यूज के लिए ओंकारेश्वर से मोहित साहू की रिपोर्ट। अनुमानित राशि 800 रुपए है, सरकारी बोली 800 रुपए है, 850। कि आज थाना नर्मदा नगर की जो 25 एक्ट आर्म्स एक्ट के तहत जो पुलिस एक्ट के तहत जो नीलामी हुई, उसमें 2 डंपर शामिल थे तथा 6 मोटरसाइकिल की गाड़ियां शामिल थी। सभी का जो अनुमानित मूल्य है, जो हमारी सरकारी बोली है, उससे अधिक मूल्य में गई है। 15,000 तथा बहुत सारे बोलीदार यहाँ पर उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा बोली लगाई, तो सभी वाहनों की नीलामी विधिवत रूप से की गई।